जब हमारे पास पेशेंट था समर 14 साल का जो लड़का था, जब हमारे पास प्रेजेंट किया बच्चा, पैरों में कोई ताकत नहीं थी, हाथों में बहुत कम ताकत थी, बात तक करने नहीं आ रहा था, निगलने नहीं आ रहा था, गर्दन उठाने के लिए भी तकलीफ होना बढ़ रही थी सांस के तकलीफ के साथ साथ। यस, ये मूवमेंट है, देखिए पहले कुछ मूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। गुलेन बैरे डिजीज में मेजर 70-80% क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, मतलब कि डॉक्टर को चेक करना होता है, मतलब विद इन 24 आवर्स हमने नोड़ी अदना ट्रीटमेंट मारे ना अदना यशस्वी साधित। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मनूर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही खूबी से इसको हैंडल किया है, डायग्नोसिस अर्ली किया है विद इन 24 आवर्स। लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और जो कैथेटर वगैरह डालते हैं उनका यूरिन का इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे गाड़ी खराब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना इंसान को जब तकलीफ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना इसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। आज मनूर हॉस्पिटल में जो प्रेस मीट है, एक ऐसे रेयर डिसीज गुलेन बैरे सिंड्रोम, ये अर्ली डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स मनूर हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हुआ है एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। एक सक्सेसफुल जर्नी पेशेंट का जो डे वन से लेके आज डे ऑफ डिस्चार्ज है उसकी ये कहानी है। 1 लाख लोगों में एक शख्स को होता है ये गुलेन बैरे डिसीज, इसका डायग्नोसिस ही वेरी रेयर होता है क्योंकि ये कि ये टेस्ट कर दिया तो पता चल गया ऐसा नहीं रहता है, कि इसमें मेजर 70-80% क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, मतलब कि डॉक्टर को चेक करना होता है। जैसे पहले बताते थे कि नाड़ी पकड़कर देखने से पता चलता है, तो उस तरीके का ये डिसीज़ है कि यू हैव टू डू ए क्लिनिकल डायग्नोसिस कि पेशेंट को जो है ना क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट योर डायग्नोसिस। तो 70% पेशेंट्स में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही जो है पता चलता है, उसके बाद एक CSF एनालिसिस होता है, फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि हाँ ये गुलेन बैरे डिजीज है। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है तो जो है ना इसका डायग्नोसिस भी इतना इजीली नहीं होता है। एंड इसमें बेसिकली गुलेन बैरे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैर दोनों हाथ वर्क नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी जो है ना पैरालिसिस होकर जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर पर जाता है। तो जब पैरालिसिस होता है तो लोगों को लगता है कि क्या बच्चा गिरा था, क्या कोई मारे थे। एंड पीडियाट्रिक में यूजुअली ये रेयर है, ये 14 इयर्स का बच्चा है गबूर गांव का, तो दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अवर हॉस्पिटल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मनूर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही खूबी से इसको हैंडल किया है, डायग्नोसिस अर्ली किया है विद इन 24 आवर्स एंड जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आके जो है ना आज हाथ के मूवमेंट्स भी कर रहा है, जो एडमिशन के टाइम पर ना मूवमेंट्स पैर के थे ना हाथ के थे एंड इमीडिएटली वेंटिलेटर पे भी गया था पेशेंट। ऑलरेडी एक दूसरे हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट होके आया था जहाँ के डायग्नोसिस नहीं हुआ था, यहाँ पे आने के बाद में डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स हुआ है एंड उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ है एंड सक्सेसफुली आज पेशेंट जो है ना इस डिसीज से बाहर है बोल के हम बोल सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल हमारे टीम के डॉक्टर श्रीकांत सर जो जनरल फिजिशियन हैं वो बताएंगे एंड ICU के जो मैनेजमेंट होता है डॉक्टर सतीश सर बताएंगे। इवत्तिन सभे ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಂತ ಗುಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆವಾಗ 8-10 ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್ ಅಂತ, ಇವನು ಗೊಬ್ಬೂರಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಕಾಲು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ 8-10 hoursಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲು ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಂಬಾರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ CSF ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನರ್ವ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಚಿತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 2 ದಾರಿ. ಒಂದು
IVIG ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಫೆರೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅವನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಮೇಣ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅವನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಸ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಸತತವಾಗಿ 15 ದಿನವರೆಗೆ ಅವನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ. 15 ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನಾವು ICUನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೊಲಾಪುರ ಅಂತ ನಾನಾ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ 14 ವರ್ಷ ಯುವಕ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು 2 ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಾರಕ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ICUಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ಅಥವಾ 10 ದಿವಸ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇದಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಅವನನ್ನ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಲಕ್ವ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ನರಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಳಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿರೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಶಿ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಳಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ರೇರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ 12 ತಿಂಗಳ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಅದು ರೇರ್. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ 5 ರಿಂದ 6 ಜನರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಜನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ 5 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು 40-50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಮತ್ತು ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್, ಐ ಡಿಡ್ MBBS, MD ಆ್ಯಂಡ್ DRMB ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. आपको ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब ये ICU में पेशेंट जब आया था तब उनको हाथ पैर में कुछ नहीं चल रहा था, उनका पावर नहीं था, उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था तो फिर हम लोग ने वेंटिलेटर में डाल दिया उनको. वेंटिलेटर में डालने के बाद जो वेंटिलेटर का जो डालने के बाद उनको ऐसा लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और जो कैथेटर वगैरह डालते हैं उनका यूरिन का इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो फिर हम लोग एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया है उसमें और जो भी इन्फेक्शन वगैरह होने के लिए चांसेस नहीं हुआ उनको. और जब भी पेशेंट कुछ मूव नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उनको पौष्टिक आहार देना पड़ता है. वो हम लोग ने उनको अच्छे से उनका न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन किया है और उसके बाद जब हाथ पैर वगैरह मूवमेंट नहीं होता है तो बेड सोर वगैरह होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें. तो फिर ये प्रोलॉन्ग जैसा उनका कंडीशन 15 डेज से भी ज़्यादा है तो बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. उनको हम लोग ने इतना केयर किया कि उनको अभी बेड सोर वगैरह भी कुछ नहीं है. पेशेंट को फिजियोथेरेपी डेली कंटिन्यूस करने के बाद उनका हाथ पैर में वगैरह मूवमेंट वगैरह है. अभी अपर लिम तो 5/5 पावर है उनका और नेक्स्ट जो लोअर लिम का है वो धीरे धीरे से अप टू
2 months टू फोर मंथ्स तो लगेगा उनको टाइम चलने के लिए, फुल पावर आने के लिए। तो फिर उनका जो न्यूट्रिशन है वो तो हम लोग कंटिन्यूसली उनको ओरली भी दे सकते हैं, अभी एक 1 week के बाद उनको ओरली भी अलाउ कर सकते हैं उनको। अभी ओवरऑल पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव साइड में है उनका, जो ये सब डायग्नोसिस वगैरह उन डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर जैसा बताया उनको, जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट हुआ है उनका विद इन 24 hours में स्टार्ट किया है, तो इनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा फास्टर होता है। लेट हुआ डायग्नोसिस मतलब उनका जो पैथोजेनेसिस मतलब जो नेक्स्ट स्टेज में गए तो प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा है, तो फिर ट्रीटमेंट का फेल्योर का चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ओवरऑल ये सक्सेस के लिए डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर को मैं थैंक्स बोलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ। सर इसमें ट्रीटमेंट मतलब उनको फिजियोथेरेपी डेली करना पड़ता है और न्यूट्रिशन का केयर करना पड़ता है सर उनका, और जो उनका ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है वो तो कल हम लोग निकालने वाले हैं, उनको डिस्चार्ज भी करेंगे उनको कल, और जो फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनका, और ये लाइफ टाइम में फिर से वापस आने का चांसेस रहता है सर इसमें, वो 2-3% में चांसेस है उसमें। नहीं सर वो फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप आते रहना वो डिसाइड करेंगे सर। अभी जैसे कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को जब खांसी था तो नेक्स्ट उसको गुलेन-बारे सिंड्रोम हो सकता है, अगर लूज मोशन था तो उसको नेक्स्ट जो है ना ही कैन लैंड अप इन गुलेन-बारे सिंड्रोम। एनी फैक्टर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही यू शुड नॉट गो डायरेक्टली टू द मेडिकल, यू शुड गो टू ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाकर उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे जो है ना कंट्रोल में आके नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी डिजीज वगैरह आएंगे तो वो उसको रोक सकते हैं। जैसा गाड़ी ख़राब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना इंसान को जब तकलीफ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। सर कितने डॉक्टर्स के टोटल टीम रही इसमें? 5 लोग हैं। जी ऑपरेशन का ड्यूरेशन कितना है? ऑपरेशन तो ये हाफ एन आवर का रहता है, इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट एक्चुअली, वो एक वेंटिलेटर से बाहर लाने का एक तरीका रहता है, ट्रेकोस्टोमी, मतलब लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहता है, तो ऐसा ट्रेकोस्टोमी सर्जरी इज नॉट फॉर द गुलेन-बारे सिंड्रोम, इट इज जस्ट फॉर द वीन ऑफ करने के लिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए तरीका होता है, यहाँ पे होल बनाते हैं छोटा सा, होल बना के ट्रेकोस्टोमी, यही पेशेंट के लिए, कौन से भी पेशेंट जो लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहते हैं प्रॉब्लम उनको ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। आपको डिजीज़ की कंडीशन के बारे में तो सबको बता ही दिए होंगे, आपको बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जो वाइट ब्लड सेल और जो इम्यूनो एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो खुद ही के न्यूरॉन्स को मतलब नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ये, जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को वो बैक्टीरिया हो या वायरस से, जो है नर्व्स के अराउंड पर जो कुछ सेक्रीट करते हैं उसको ये समझते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है इसको डिस्ट्रॉय करो, लेकिन क्या होता है बॉडी के ही खुद के नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ये नीचे से शुरू होते आता है और ऊपर की तरफ जाता है। जो हमारे पास पेशेंट था समर 14 साल का जो लड़का था, जब हमारे पास रेजिडेंट किया बच्चा, पैरों में कोई ताकत नहीं थी, हाथों में बहुत कम ताकत थी, बात तक करने नहीं आ रहा था, निगलने नहीं आ रहा था, गर्दन उठाने के लिए भी तकलीफ होना बढ़ रही थी सांस के तकलीफ के साथ साथ, तो हम जब उनको वेंटिलेटर पर लिए थे। ऐसे बीमारी में क्या होता है, टाइम और थोड़ा डिले हो जाए तो फिर सांस लेने नहीं आकर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अच्छा हुआ कि इस टाइम विंडो में आए हमारे पास, हम वेंटिलेटर पर डाले, लेकिन हमको मालूम था कि ये ट्रीटमेंट 1-2 दिन का नहीं, ये लंबा है, समझ लीजिए 6 महीने तक भी पेशेंट को या उससे ज़्यादा भी लग सकता है इसकी ताकत वापस आने के लिए। डिस्पाइट ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट्स द कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ इज वेरी लॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या था, पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर लाएं। एक बार पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ जाए तो हम उसको फिर वार्ड में, वार्ड से फिर घर को या रिहैब सेंटर फिजियोथेरेपी के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या है, पेशेंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जब पेशेंट के पास कुछ भी पावर नहीं था, उंगली हिलाने की ताकत डिस्पाइट द मेडिकेशन। 5 days, 1 week के बाद ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तब हमें लगा जब 1 week तक हम मुँह में पाइप रखकर वेंटिलेटर पर रखते हैं, उससे ज़्यादा रखने से क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जो विंड पाइप है वहाँ पर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी हम ज़्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पर पेशेंट रख सकते हैं। उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि और कितना टाइम जाएगा, तो हमने ट्रेकियोस्टोमी की न्यूरोसर्जन ने यहाँ पर सर्जरी करके छोटा सा ट्यूब, वही ट्यूब छोटा सा यहाँ पर रहता है, उससे फिर वेंटिलेटर पर रखें। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसा जैसा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कम हो गया,
वेंटिलेटर पावर हमने कम किया तो पेशेंट सांस लेने की जैसे उसका कुव्वत बढ़ती गई हम उसको वेंटिलेटर से बाहर ले गए। अभी हमने उसको मेटालिक ट्यूब डालकर बंद कर दिया, पेशेंट बात कर सक रहा है, हाथ हिला सक रहा है, पैरों की अभी ताकत अभी कम है, हाथों में भी अभी अभी और एक 30-40% इम्प्रूवमेंट आना बाकी है, इसको और टाइम लगेगा। लेकिन गुड थिंग इज पेशेंट इज़ आउट ऑफ द ICU, पेशेंट इज़ आउट ऑफ द वेंटिलेटर, पेशेंट कैन टॉक, पेशेंट एंड पेशेंट अटेंडर्स नो व्हाट द डिजीज इज, हाउ मच ड्यूरेशन इट विल टेक, सो द मेंटल बर्डन व्हाट दे हैव दैट दे हैव सम रिलीफ टू सम एक्सटेंट, वी कैन डिस्चार्ज इन अ डे और टू, पेशेंट इज रेडी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसके बाद फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन जो भी है उनको बताया जाएगा, उनको और रेगुलर फॉलोअप हमारे पास करता रहेगा।